कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर। तो देखा ना आपने कितने एक्साइटेड है बच्चे, क्योंकि वो जा रहे हैं नानी के घर, और नानी का घर है जयपुर में। और यहाँ पे पता करते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं साहब? ससुराल जा रहे हैं। ससुराल जा रहे हैं खातिरदारी की पूरी उम्मीदों के साथ में। तो वेट बढ़ा के आने का पूरा प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो पूरा है। हाँ तो एक्साइटमेंट यहाँ पूरा है, और क्योंकि एक साल बाद बच्चे जा रहे हैं गुड़गांव से जयपुर अपनी नानी के पास में। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जयपुर पहुंचने से पहले नानी के पास में सारी डिमांड दे दी गई हैं कि ये खाना है वो खाना है, और पतिदेव ने भी डिमांड दी है। तो जरा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपने क्या स्पेशल बनाने के लिए कहा है अपनी सासू माँ को? ये राजस्थान का फेवरेट क्यूजीन है दाल बाटी चूरमा। मेरी सासू माँ बहुत अच्छा बनाती है, तो मेरी फरमाइश है दाल बाटी चूरमा। जी हाँ, दाल बाटी चूरमा। और बच्चे लोगों ने भी अपनी अपनी डिमांड दे दी है, किसी को नानी के हाथ की स्पेशल कढ़ी खानी है, और मुझे तो केवल बस माँ के हाथ का खाना खाना है। सो यू नो इट इज वेरी डिफरेंट माँ के हाथ का खाना। अच्छा, घर पे कुछ करना ना पड़े आराम। 5 दिन का पूरी छुट्टी, इसके अलावा और क्या चाहिए? नो कुकिंग, नथिंग, व्हाट एल्स टू आस्क फॉर। तो बस बढ़िया है, जा रहे हैं, चल दिए हैं। जयपुर जाने के अलावा आज एक और स्पेशल ओकेजन है, क्योंकि आज है शीतलाष्टमी का फेस्टिवल। शीतलाष्टमी के फेस्टिवल के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है, जो कि राजस्थान और हरियाणा में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। माना जाता है कि शीतला माता की पूजा करने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वो बीमारियों से बचे रहते हैं। अच्छा, शीतला माता की पूजा में जो प्रसाद चढ़ता है वह सेम डे नहीं बनाया जाता है, वह एक दिन पहले बनाया जाता है। यानी कि मैंने कल रात को ही सारा प्रसाद बना लिया था, जैसे कि अच्छा वो चीजें जो कि ठंडी खाई जा सके, लाइक आलू की सब्जी, पूरी और दही राइस, राबड़ी। लेकिन मैंने क्योंकि आज ट्रैवल करना था, तो केवल पूरी, आलू और पुए और दही राइस ही बनाया। बट आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मम्मी ने घर पे बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो वो सारी चीजें तो मैं आपको दिखाऊंगी ही जयपुर पहुंच के। और सो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और अब हम यहाँ पे गाना गाने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। ऑफ कोर्स बच्चों को एंगेज तो रखना ही है, 5 घंटे जयपुर पहुंचने में लगेंगे अभी। बसेस, कार्स, ट्रक्स, मतलब इतना फ्लडेड टाइप का हाईवे है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवल्ड, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक और गुड्स और सब चलता है इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज मैंने और नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पे ना हर थोड़ी देर में एक ढाबा है। मतलब ढाबा क्या कहेंगे, वो मतलब होटल को मात देते, सारे तो कुजीन मिलते हैं। You said rose, Akshay nahi, you have to say from E. This is bird on the Akshay. Okay. Eagle. Okay, again. E say Easter. Me. Easter. Oh, sorry. R. R say... Itna time lag raha hai papa ko. Rabbit. You say from Priyanji, rabbit ends with T. So you have to speak with T. A word with T. बच्चे आइसक्रीम। तो कौन सी आइसक्रीम खा रही है तू? चॉकलेट।
प्रियांशी कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो बताओ? गोल्डन रिबन, गोल्डन मेडल रिबन, गोल्डन मेडल रिबन। और आप क्या पी रहे हो? अदरक की कप चाय। आपको अदरक की कड़क चाय? ओके, कड़क तो रहना ही पड़ेगा जिससे बढ़िया से ड्राइव कर लें। दो कप चाय आपको पता है? अभी जागे रहना है। ये दो कप चाय और बस घर पहुंचने का वेट है। वहाँ पे डिलीशियस फूड इज वेटिंग एंड ऑफकोर्स द फैमिली। तो यहाँ पे मुझे लगता है मेरा शेक बन गया है। भैया बढ़िया सा शेक बना रहे हैं। दिखाना भैया कैसे शेक बना रहे हैं। का आउटलेट भी है यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे ही अलग से डे स्पेंड करने आ जाइए। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। खाने का, पीने का, शॉपिंग का भी इंतजाम है यहाँ पे। तो अगर पूछती तो आपके सामने खड़ी है। पूछा तो नहीं। भैया ने बनाया है वनीला कॉफी शेक। देखो हाउ वेल आई नो यू। काफी टेस्टी है। टेस्ट भी नहीं करवा सकती क्योंकि चाय के साथ तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। चलो मामी साहब से तो मिलो कोई। हैंड वॉश कर रहे हैं अभी। हैंड वॉश करना है? हाँ हाँ भाई, हैंड वॉश पहले। चलो पहले हैंड वॉश कर लेते हैं फिर हम अच्छे से मिल लेंगे। चलो चलो चलो। आराम से आ गए। परेशानी नहीं। हाँ इतना लंबा रास्ता था। गर्मी लग गई, बहुत गर्मी थी। तो यहाँ पे इलैबोरेट लंच की तैयारी हुई है और जैसे कि मैंने आपको बताया था शीतलाष्टमी है तो सारा खाना पहले से बना हुआ है, कल से बना हुआ है इनफैक्ट। तो ये है राबड़ी जो कि दही और आटे की कुछ प्रिपरेशन है, बॉईल करके काफी देर तक जैसे कढ़ी की तरह उबाल के बनाया जाता है। पुए, पकौड़ी, कैरी की लौंजी, आलू की सब्जी और ये है राजस्थान स्पेशल कैर सांगरी की सब्जी, इसे पचकूटा भी कहते हैं। ये है दही और राइस का कॉम्बिनेशन जो कि यहाँ पे ओलिया 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 के नाम से जाना जाता है। और हाँ दही दही बड़े। सो मेजरली दही की प्रिपरेशन है क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है। सो